कि हमें जन्मदिन पौधा रोक के मनाना है, मतलब पर्यावरण के प्रति क्या चिंता है, ये हमारे सोचता है। जरूरी नहीं है कि जितने पौधे लगाए गए हैं वो पूरे के पूरे सुरक्षित रहे। हमेशा जीवन महत्वपूर्ण होता है और जीवन की सुरक्षा वो दूसरा प्रश्न होता है। हम लोग क्या करते हैं सामान्य तौर से, दूसरे प्रश्न को जब हमें कुछ नहीं करना होता तो इस दूसरे प्रश्न को आगे ले आते हैं ताकि ये पहले प्रश्न से हम बच जाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनोज, आप देख रहे हैं द खबर दानी। इस वक्त हम मौजूद हैं कदम संस्था के संस्थापक योगेश जी के साथ। इस संस्था की बात करें तो लगभग 6700 दिन पूर्व इस संस्था की शुरुआत हुई थी और तब से कदम संस्था के द्वारा प्रति दिवस वृक्षारोपण का एक पुनीत कार्य किया जाता रहा है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम मिला है। और इस संस्था के प्रयासों के बारे में, प्रेरणा के बारे में और आखिर इस संस्था का उद्देश्य क्या है, इन्हीं विषयों की चर्चा आज हम योगेश जी के साथ ही संस्था के संस्थापक सदस्यों के साथ भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो योगेश जी, स्वागत करते हैं हम आपका द खबरदार न्यूज पर। इस संस्था की शुरुआत कैसे हुई? आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, ये 20 जनवरी 1995 में हुई थी दर्शन में कदम संस्था की शुरुआत। हमने जो पौधा रोपण है वो 17 जुलाई 2004 से शुरू किया, उसके 67 दिन आज पूरे हुए और हमारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा ये पौधा रोपण और उसके बाद माइक होने अवार्ड और सर मध्य प्रदेश सरकार का भी कोई अवार्ड मिला हुआ है। स्थापना तो 20 जनवरी 1995 को हुई थी, जिस समय में कोई भी प्रकल्प जब प्रारंभ किया जाता है, कोई भी संकल्प जब लिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक प्रेरणा छुपी हुई होती है और वह प्रेरणा एक बड़े उद्देश्य को लेकर छुपी होती है। आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, वर्तमान समय की जो प्रमुख समस्याएं हैं तो जलवायु परिवर्तन, वैश्वीकरण के तहत जो एक बड़ी समस्या मानी जाती है और वृक्षारोपण कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को कम करने का एक अहम हिस्सा कहा जा सकता है। तो आखिर क्या प्रेरणा रही आपकी, इस बारे में हम जानना चाहें। दरअसल में मैं बहुत पहले से लोगों को पोस्ट कार्ड लिखा करता था कि आप अपना जन्मदिन पौधा रोप कर मनाए और इस आशय के 5 पत्र अपने परिचितों को लिखते। तो मुझे लगा कि विचार के स्तर पर विचार के साथ साथ अगर कार्यिक रूप में ये परिणित हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि वाकई में उस समय तो बड़ा अजीबा लगता था कि मुझे लगा मेरी प्रेरणा वही बनी थी। दरअसल में उस पहले क्या होता था, अभी भी लोग व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ मैसेज मैं तो ज़्यादा यूज नहीं करता व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन मुझे पता चलता है पहले हमारे ज़माने में, मतलब आज से 40 साल पहले समझ लीजिए, कुछ लोग पोस्ट कार्ड डालते थे और उसमें लिखते थे कि किसी देवी का जिक्र रहता था और लिखते थे कि इस तरह के आप 100 पोस्ट कार्ड किसी को डालिए या 10 पोस्ट कार्ड डालिए, नाम मत लिखिएगा, अगर आपने नहीं डाले तो आपका हित होगा और तमाम चीज़ें होती थी। तो लोग डर के कारण या भय के कारण या लोभ भी रहता था उसमें कि उसमें ये चीज़ मिलेगी आपको, ऐसा तो लोगों को पोस्ट कार्ड लिखते थे। मुझे लगता था जब ये सब चीज़ें भी चल सकती हैं तो अच्छा काम भी चल सकता है, तो इसलिए मैंने पोस्ट कार्ड लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी प्रेरणा दरअसल में वही वो उसी वजह से था। तब फिर मैंने जो मैं करना चाहता था, मगर फिर मैंने देखा कि जन्मदिन के लिए मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन मेरा खुद का जन्मदिन 17 मई को पड़ता था, इतनी धूप में पौधा लगाना, इतनी गर्मी में, और वो सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, कैसे संभव है? तो मैंने 3-4 साल 17 मई को पौधा लगा के उसको सर्वाइव करना देखा। तो मुझे लगा कि नहीं, पौधे को सुरक्षा चाहिए और पानी चाहिए, खाद मिट्टी थोड़ा बहुत मिलता है, पौधा अपने आप सर्वाइव करता है, बहुत ताकत होती है उसके अंदर सर्वाइवल की। तो कहीं ना कहीं जो इसके पीछे की प्रेरणा है उसका काफी दिलचस्प किस्सा समझ में आता है। वो आजकल भी जैसे व्हाट्सएप की आपने बात की थी, ज्यादा नहीं करते हैं तो 11 लोगों को भेजिए, अदरवाइज पे तो आपके साथ ऐसा होगा, भेज देंगे। हाँ, अभी चलता है, और अगर भेज देंगे तो आपके साथ अच्छा होने वाला है। बचपन में हमने भी कई पर्चे ऐसे हुआ करते थे कि शारदा मैया के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर 121 लोगों को भेजो। तो आपने जो अफवाहें हुआ करती थी उसको एक बेहतर ढंग से, बेहतर विकल्प के तौर पर एक अपने प्रकल्प के लिए प्रयोग किया, ये काफी अच्छी पहल है आपकी। और दूसरी जो चीज कही आपने कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए एक अहम हिस्सा है, तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि जब कदम संस्था की शुरुआत आपने 1995 में की,
तो क्या वृक्षारोपण उस दौर पे ही आपके प्रकल्प में शामिल था या फिर ये 2004 के बाद शामिल हुआ? नहीं, उसी समय से शामिल था। उस समय वृक्षारोपण करते थे, उस समय भी करते थे, लेकिन ज्यादातर बारिश के दिनों में करते थे। फिर हमें ये लगता था कि हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, कुछ संगठन या कुछ लोग या सरकारें ही क्यों करें। अगर हर, देखिए जन्मदिन तो हर व्यक्ति का होता है कैलेंडर के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से होता ही है। हर व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग साल में एक बार जन्मदिन। तो अगर कोई जन्मदिन मनाने के जो भी तरीके हैं दुनिया में, वो सब बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे हैं, उसे किसी से एतराज नहीं है। अगर आप केक काट के मनाते हैं वो भी बहुत अच्छा तरीका है, खुशी है तो मनाना चाहिए। हमने थोड़ा सा ये एडिशन किया कि अपना जन्मदिन पौधा, और हम ही ने नहीं किया याद और बहुत पहले से चला आ रहा। कई लोग व्यक्तिगत रूप से हमसे जो मिले हैं हमारे अभियान के बाद भी, वो बताते हैं हम तो 50 साल हो गए हमको पौधा रोप के जन्मदिन मनाते। तो हमने थोड़ा सा संगठित रूप से कर दिया और प्रचार प्रसार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बात जन जन तक गई कि वो लोग अपना जन्मदिन, तो बहुत पहले से प्रकल्प में था ये हमारा कि हमें जन्मदिन पौधा रोप के मनाना है। मतलब पर्यावरण के प्रति क्या चिंता है ये हमारे उसमें। और इन दिनों में जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है कहीं ना कहीं, तो ऐसे प्रकल्प चलते हैं और लोग जो होता अपने जन्मदिन पे 5 पौधे लगाते हैं, 7 पौधे लगाते हैं, लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं कई बार ऐसी होती है कि पौधे तो लगा दिए गए, अब उसके बाद उसकी देखभाल कुछ की नहीं गई, तो पौधे अगले बार फिर से 5 पौधे लगाने लायक हो जाते हैं। तो आपका जो ये प्रकल्प चल रहा है लगातार अनवरत निरंतरता के साथ, तो लगभग अब तक कितने पौधे ऐसे हैं जो अपनी पूर्वावस्था से बेहतर अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो बड़े हो रहे हैं? पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि हम लगातार पौधे लगाते हैं ऐसी जगह, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये जगह, यहाँ बाउंड्री वॉल है, माली है, पानी है, देख रेख है, और इस इंस्टीट्यूशन के हेड जो हैं वो विलिंगली हमसे कहते हैं कि नहीं, हम इन पौधों की देख रेख करेंगे। तो ऐसा होता है कि ये लोग देख रेख करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जितने पौधे लगाए गए हैं वो पूरे के पूरे सुरक्षित रहें। और सभी लोगों का पहला और बहुत अनिवार्य प्रश्न यही रहता है कि कितने सुरक्षित हैं। मैं एक बात आपसे जरूर इस के माध्यम से जरूर शेयर करना चाहूंगा, और लोग इसको, मैं पत्रकारों के साथ हमेशा ये बात जरूर अपने मन से ही शेयर करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि जिस समय सभ्यता का विकास, मनुष्य का विकास हो रहा था, मनुष्य जिस समय धरातल पर धरती पर जन्म ले रहा था, तो माएँ अपने सामने देख रही थी कि बच्चे बरसात में बह जाते होंगे, है ना, बच्चों को जन्म देने का वो बह जाते होंगे, जानवर घसीट के ले जाते होंगे, अपने सामने नवजात शिशु को माँ के सामने कोई जानवर घसीट के ले जाता होगा, या बहुत सी बीमारियों से वो खत्म हो जाते होंगे, है ना बच्चे। लेकिन माँ ने जन्म देना बंद नहीं किया था। अगर जन्म देना बंद कर दिया होता उस डर से कि मेरे सामने तो मेरे बच्चे को जानवर ले गया, या मेरे सामने तो बाढ़ में बच्चा बह गया, अगर माँ ने जन्म देना बंद कर दिया होता तो हम लोग इतनी तादाद में आज 8 अरब नहीं होते, है ना। तो आप सुरक्षा का ध्यान तो रखिए और सुरक्षित करिए भी, लेकिन लगाते रहिए, लगाना बंद मत करिए, डरिए मत। महत्वपूर्ण ये है कि पौधे लगाए जाए। हाँ, जीवन महत्वपूर्ण होता है, हमेशा जीवन महत्वपूर्ण होता है, और जीवन की सुरक्षा वो दूसरा प्रश्न होता है। हम लोग क्या करते हैं सामान्य तौर से, दूसरे प्रश्न को जब हमें कुछ नहीं करना होता तो इस दूसरे प्रश्न को आगे ले आते हैं ताकि ये पहले प्रश्न से हम बच जाएं, है ना। तो ये मेरे ख्याल से ये एटमॉस्फेयर होगा कि अरे पौधे लगाते हैं तो सुरक्षित नहीं रहते हैं। तो आप लोगों से मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि भाई आप ये देखें, आपको नष्ट पौधे नहीं देखे होंगे, आपने कम देखे होंगे, सुने होंगे, देखे भी होंगे कहीं कहीं रिपोर्टिंग के, लेकिन सामान्य तौर पर आपने ये बढ़े हुए पेड़ ही ज्यादा देखे, तो जो कुछ दिख रहा है उसकी चर्चा करें। जो नष्ट हो चुका, अब जो नष्ट हो चुका है उसके लिए सोचें जरूर, लेकिन ये एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं बनना चाहिए। एक्चुअली इस एटमॉस्फेयर के बन जाने से हम 28 साल से देख रहे हैं, लोगों में एक बात है या अवधारणा है कि वो ये कहते हैं कि साहब पौधे लगते हैं सुरक्षित तो रहते नहीं, इसलिए लगा के क्या करेंगे, अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक दिया तो जला ही सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात। आप कुछ अपना प्रयास करिए, अब साल में एक बार जन्मदिन पे एक पौधा लगाइए, उसको भी सुरक्षित रखिए। तो ये एक बहुत बेहतर आप बात कर रहे हैं कि कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने के बाद निश्चित तौर पर अगर हम अपने 10-20 जन्मदिन पर पौधे लगाते हैं तो ऐसा तो संभवतः हो ही सकता है कि 8 से 10 पौधे तो सुरक्षित हो ही जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। और
जो कदम संस्था है आपकी, वृक्षारोपण आपका एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है, इसके अतिरिक्त और किन क्षेत्रों पे कार्य करती है? ये प्लांट फॉर पीस के तहत हम वृक्षारोपण करते हैं, पहला जन्मदिन पौधा रोप के करते हैं, दूसरा हमारा एक बीजा रोपण अभियान है जो बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें हम हर वर्ष 1,00,000 बच्चों को बायोडिग्रेडेबल पैकेट्स होता है उसमें बीज रख के देते हैं और वो बच्चे घर ले जाते हैं उसको, और उसके बाद वो घर में उसको अंकुरित करते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, बीजारोपण अभियान बहुत बड़ा क्रांति बच्चों के बीच में, खासकर जब वो पौधा आता है अंकुरित होता है तो उनका उसको अंकुरण देखते तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सृजन करते हैं असल में, है ना। तो वो जो अंकुरित होता है फिर उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो जब वो बड़ा कर लेते हैं तो साल भर बाद हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं, हर साल स्टेडियम में करते हैं, अभी कोविड के कारण 2-3 साल से नहीं है, वहां पर बच्चे अपना पौधे अपने हाथ में लेकर आते हैं, कभी आप आइएगा वहां देखिएगा, तो वो चलता फिरता जंगल बन जाता है वो थोड़ी देर के लिए, तो वो एक बहुत क्रांतिकारी, उसमें हमने 44,000 किलोमीटर के पूरे हिंदुस्तान के 26 राज्यों का दौरा किया है और 10,00,000 बच्चों से सीधे संवाद किया है और उनको भी हमने बायोडिग्रेड